हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज गांव जा रही हूँ, अभी ट्रेन में जाऊंगी, अभी रेडी हो गई हूँ। सब फ्रेंड्स, मैं अभी स्टेशन में पहुँच गई हूँ और ये है अलंका स्टेशन। अभी उस साइड से अभी वो ट्रेन आ रही है, उधर वो ट्रेन में अभी मैं जाऊँगी। बहुत खुश होंगी एक नंबर कौन से और ये रहा मेरा सीट। सो फ्रेंड्स, मैं अभी ट्रेन वाले को देखती हूँ, वो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है ट्रेन में। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, दूर तक नज़ारा अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग कभी ट्रेन में गए होंगे तो ट्रेन से सभी साइड में सब बहुत अच्छा अच्छा जगह देखने को मिलता है, तो आप लोगों को मैं कितना मेरे से हो रहा है, मैं इतना आपको दिखा रही हूँ। तो पूरा ये दिखाने के लिए तो संभव नहीं है, तो जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये सब दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख के कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना कमेंट करके। आप लोग देखे होंगे दूर से कुछ कमरे जैसा फैन दिख रहा है, तो वो विंड फैन है, इसको हम लोग विंड फैन बोलते। तो विंड फैन, इससे बिजली निकलता है। तो आप लोग शायद कोई कोई देखे होंगे तो कोई कोई नहीं देखे होंगे, तो मैं भी पहले नहीं देखी थी ये विंड फैन। तो अभी यहाँ से जाने के टाइम देखी तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत है। तो जितना संभव है मेरे से तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो देखिए वो इंसान। तो हर जगह नहीं दिखने को मिलता है, हाँ कहाँ पे थोड़े थोड़े जगह में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वो इधर है, इसलिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ विंड फैन।
हवा से फैन जो अपने आप वो ये होता है, ये भी बहुत खूबसूरत नजारा है, चारों तरफ हरा भरा है। जो जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। पूरा ट्रेन का सफर तो पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लग रहा है ये हरा भरा नजारा? अच्छा लग रहा है ना? आई होप। अभी रात हो गई है, अभी मैं सो रही हूँ। कल सुबह आप लोगों को अभी कुछ दिखाती हूँ जो मुझे अच्छा लगेगी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सुबह। बहुत अच्छा दिख रहा है गोदावरी नदी। ये देखिए तो बहुत सुंदर।
बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, खाना ऑर्डर किया, अभी वो खाना पहुंचाने वाला है। अभी अभी मेरे पास खाना और पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, खाना भी अभी पहुंच गया है मेरे पास और ये रहा मेरा खाना। तो मैं अभी खाना खाऊंगी, बाद में और भी दूसरा कुछ बताऊँगी आपको। बाहर का खाना थोड़ा अच्छा नहीं है ट्रेन में, और इतने से ट्रेन में जो खाना मिलता है थोड़ा वो अच्छा रहता है खाना। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देती हूँ, अगर आप लोग कभी ट्रेन में सफ़र करें तो ट्रेन का अंदर में जो खाना बनता है वो खाना चाहिए, बाहर का खाना थोड़ा अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप दिख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा, कितना अच्छा दिख रहा है। ट्रेन से बैठ के ये सभी देखने को बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी ट्रेन में कभी बैठे हैं तो ऐसा नज़ारा देखे कि नहीं, वो तो हमको मालूम नहीं। बहुत सुंदर दिख रहा है ये, मशरूम जैसा दिख रहा है। क्या है, मशरूम के जैसा ही दिख रहा है। अयो ये फ्रेंड्स, ये धान निकलने के बाद उसका जो पाड़ रह जाता है उसको ज़मीन के ऊपर जगह जगह में सभी रखे हैं, तो मशरूम के जैसा ही पूरा दिख रहा है। बहुत सुंदर दिख रहा है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा गांव में ऐसा नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों के गांव में उसको तो एक ही जगह में रख देते हैं घर के पास, लेकिन यहाँ पे तो ज़मीन के मतलब खेती में ही उधर ही सभी रखे हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, पूरा जैसा मशरूम के जैसा ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखते देखते एक लाइक भी ज़रूर कर देना और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं उड़ीसा पहुंच गई हूँ अभी। ये हमारा पहला स्टेशन है ब्रह्मपुर। भुवनेश्वर को जाने के लिए हमारा उड़ीसा में ये पहला स्टेशन है, ब्रह्मपुर है।
तो फ्रेंड्स मैं अब पहुंच गए हूँ उड़ीसा में। तो ये है चिलिका लेक। यहाँ ट्रेन में जाने के टाइम ये लेक पड़ता है रास्ते में। तो आप लोग ये लेक देखे कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी जरूर आना ये देखने के लिए चिलिका लेक। कुदरत का ये बहुत खूबसूरत नजारा है ये। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जब भी ट्रेन में सफर करती हूँ तो बेंगलोर से भुवनेश्वर या भुवनेश्वर से बेंगलोर आती हूँ, तभी मैं चिलिका लेक पहुँचने के बाद उधर साइड में जाके वो लेक तो जरूर देखती हूँ। बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये कुदरत का। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर आना ये लेक देखने के लिए कभी। प्यारे बच्चे हैं ये, हमारे साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे हम लोग, साथ में एक ही सीट में बैठे थे। तो फ्रेंड्स अभी ऑलरेडी मैं भुवनेश्वर पहुंच गई हूँ और अभी ट्रेन रुकने वाली है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ निकलने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं फाइनली भुवनेश्वर में पहुंच गई हूँ। तो अभी देखिए ये भुवनेश्वर स्टेशन है और मैं अभी यहाँ से निकल के जाऊँगी बस में। अभी फिलहाल शाम के 7 बजे हैं, अभी यहाँ से जाके बस पकड़ते हैं। बस फाइनली मैं बस में बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं गांव जा रही हूँ, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।